और अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें। कनाडा के लैंगली में एक शख्स ने की अंधाधुंध फायरिंग, कई लोगों की मौत। गोलीबारी की घटनाओं के बाद शहर में इमरजेंसी अलर्ट घोषित। अमेरिका के डलस एयरपोर्ट पर भी फायरिंग से अफरा तफरी। 37 एयरपोर्ट पर भी फायरिंग से अफरा तफरी। 37 साल की एक महिला ने की अंधाधुंध हवाई फायरिंग। अमेरिका के मैसाचुसेट्स शहर से लगे समुद्र में बोट पर जा गिरी वेल। प्रशासन के मुताबिक किसी को चोट नहीं आई, न ही कोई बड़ा नुकसान हुआ। काबू से बाहर हुई कैलिफोर्निया के जंगलों में लगी आग। योसेमाइट नेशनल पार्क के पास फैल रही है जंगल की आग। आग बुझाने में जुटे 2000 फायर फाइटर्स। भारी बारिश के बाद पाकिस्तान के कराची शहर में बाढ़ के हालात। शहर के ज्यादातर इलाकों में भरा पानी। बारिश और बाढ़ के कारण अब तक 300 से ज्यादा लोगों की मौत। ब्रिटिश पीएम पद की रेस में सबसे आगे चल रहे ऋषि सुनक ने चीन पर दिखाए सख्त तेवर। कहा चीन ब्रिटेन और दुनिया की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा। पीएम बनते ही चीन के खिलाफ उठाए जाएंगे सख्त कदम। श्रीलंका में आर्थिक संकट और सरकार विरोधी प्रदर्शनों के बीच फिर से खुला राष्ट्रपति कार्यालय। सुरक्षा कर्मियों की तैनाती के बीच कार्यालय में कामकाज शुरू। आर्थिक संकट से गुजर रहे श्रीलंका ने चीन से मांगी मदद। बीजिंग में श्रीलंका के प्रतिनिधि ने आर्थिक पैकेज की मांग करते हुए कहा व्यापार, निवेश और पर्यटन क्षेत्र में मदद करे चीन। यूक्रेन के खार्किव में रूसी सेना का हमला। शहर के दक्षिण पूर्वी हिस्से में दागे 10 रॉकेट। लोकल स्कूल और रिहायशी इमारतों को बनाया निशाना। लोगों का सर्च ऑपरेशन जारी। देसा पर मिसाइल स्ट्राइक को लेकर यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने रूस पर साधा निशाना। कहा रूस को किस हद तक रोकेंगे। यूएन और टर्की अनाज निर्यात समझौते के बाद रूस ने किया मिसाइल हमला। ये दिखाता है रूस का अपना सहयोगियों को लेकर क्या रवैया है।